नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है यहां पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। जी हां, आप इंतजार कर रहे थे कि क्लासेज कब से लगेंगी, ऐसा नोटिस आना चाहिए, क्लासेज का मतलब क्लासेज लगनी चाहिए, हम इंतजार कर रहे हैं क्लासेज को लेकर, लेकिन यहाँ तो डेट बढ़ गई भैया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट बढ़ा दी है, यानी कि आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लासेज के लिए। आप तो इंतजार कर रहे थे कि 4 तारीख को क्या अवेलेबल होगा कि हमें कॉलेज में मतलब सेक्शन देखने को मिल जाएगा, फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगी, वेटिंग वालों को पता चल जाएगा कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भैया इंतजार करना पड़ेगा, फाइनली एक बार फिर से डेट बढ़ा दी गई है, ये ध्यान रखें। खाली सीटों पर फोरम चालू है भैया, कैसे क्या रहेगा प्रोसेस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सीधे, यहाँ पे नोटिस आया कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। जो पहली लाइन जो देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा की तिथि यहाँ पर बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर कर दिया 7 अगस्त। तो ध्यान रहे, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिसमें आप यूजी एडमिशन का इंतजार कर रहे थे, बीए बीएससी बीकॉम का, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, 7 अगस्त 2023 कर दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। और पहली सूची कब आएगी, जिसको मतलब फाइनल एडमिटेड कहते हैं ना कि भाई फाइनल एडमिटेड जिसका एडमिशन हो गया, वेटिंग से कन्फर्म कौन हो गया, इन सभी की सूची कब आएगी, 10 तारीख को पता लगेगा भैया। ध्यान रखो, पहले 4 तारीख को पता चलने वाला था, अब उसको डेट को बढ़ा दिया है, ध्यान रखें, अब पता चलेगा 10 तारीख को, ध्यान रखें। और 11 तारीख को किस चीज का पता चलेगा, सेक्शन कौन सा मिला है और सब्जेक्ट कौन कौन से मिले हैं। पहले 4 तारीख 5 तारीख को पता चलने वाले थे, लेकिन अब मिलेगा कब डेट को, 11 तारीख को पता चलेगा, 11 अगस्त को, ध्यान रखें। और क्लासेज कब से शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर डेट है 12 अगस्त से क्लासेज शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखें। अब एक सवाल है, ये तो चीजें हो गई जिनका एडमिशन प्रोसेस हो गया, जिनका एडमिशन मतलब कि जिन्होंने फॉर्म भरा था, एडमिशन के सवाल चल रहे थे, तो सारी प्रोसेस हो गई। लेकिन अब बात करते हैं खाली सीटों के फॉर्म को लेकर, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है भैया, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए, यानी कि जो खाली सीटें हैं ना भैया, उन पर जो फॉर्म लगेंगे वो 26 जुलाई को जो नोटिस जारी हुआ था उसके अनुसार ही रहेगा, ये नोटिस है। अब 26 जुलाई वाला नोटिस हम देख लेते हैं भैया, 26 जुलाई को खाली सीटों का क्या नोटिस आया हुआ था उसको देख लेते हैं। तो ये 26 जुलाई का नोटिस है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें खाली सीटों वाले पोर्टल पे चलते हैं सीधे, तो खाली सीटों वाले पोर्टल पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे भैया खाली सीटों पर, और 10 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ध्यान रखें, 3 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे, 10 अगस्त तक, ये ध्यान रखें, खाली सीटों पर। अब खाली सीटों की सूची कहाँ से पता करेंगे, तो भैया एसएसओ आईडी के माध्यम से डीसीई पोर्टल जो आपका है वहां से आप पता कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या ऑप्शन आता है, अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि जयपुर जो आएगा जयपुर, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर कि कैटेगरी ऑप्शन आता है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिंक अवेलेबल करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जयपुर में अगर आप देखते हैं एससी की सीटें कहाँ कहाँ खाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट की सीटें खाली है, ऐसे उस पर क्लिक करेंगे ना इस वेबसाइट पे, तो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रहे, ऐसे चेक कर लेंगे, फिर भी कोई समस्या आए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या सीटें खाली है, ध्यान रखें। अब खाली सीटों पर फॉर्म कौन लगा पाएगा, जिनकी सीट जिनका मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम है वो इस पे फॉर्म नहीं लगा सकते, ध्यान रखें, क्योंकि आप तो पहले ही वेटिंग में चल रहे हैं, ध्यान रखो आपका अगर नंबर वहां पे नहीं है, जिनका नंबर नहीं आया जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया गया, अब देखो जिनका नंबर नहीं आया उनको क्या करना पड़ेगा, उनका तो आएगा नहीं भैया, क्योंकि अगर आपका नंबर आता तो पहले ही आपका मैन या वेटिंग में आ जाता, ये ध्यान रखें। लेकिन अब ना तो मैन में आया ना वेटिंग में आया, तो आप फॉर्म नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी की सीटें खाली नहीं होंगी। अब दूसरे कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं जिस कॉलेज में पहले लगाया उसमें नहीं मिलेंगे, तो खाली सीटों वाली सूची आप देख लेंगे, ये ध्यान रखें। 3 तारीख से 10 अगस्त तक आपका फॉर्म रहेगा, ये ध्यान रखें, ऑनलाइन फॉर्म भरना है एसएसओ आईडी के माध्यम से, जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था वो आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। अगर किसी दूसरे कॉलेज में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, पहले किसी में किया था वहां पे नंबर नहीं आया तो दूसरे में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, अगर वहां पे सीटें खाली है तो। जानकारी कैसे लेनी वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर उसके बाद में पहली लिस्ट कब देखने को मिलेगी खाली सीटों के बाद में, और 14 तारीख को आएगी, ध्यान रखें। ऐसे नोटिफिकेशन आया हुआ इसको पूरा पढ़ लेंगे, सारी चीजें मैंने बता दी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका कोई सवाल रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, जवाब मिल जाएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज कर देंगे, अगर आपको कोई सवाल है तो वहां पे जवाब जरूर मिलेगा, ध्यान रखें, देरी से मिल सकता है लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।